गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। और हमने ये बैंगन ले लिया है और हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसको भून के बनाते हैं बैंगन का भरता। तो हम जब इनको भूनने के लिए हम इसमें होल कर देते हैं ताकि अंदर से अच्छी तरीके से ये भुन जाए। और उसके ऊपर हम ऑलिव ऑयल लगा देंगे, सरसों का तेल, और अच्छे से ऐसे करने से, तो ताकि इसकी जो स्किन है बाद में जब हटाएंगे तो वो अच्छे से हट जाए। हम इसको भूनेंगे स्लो गैस, हल्की गैस पे भूनेंगे और उल्टा पलट पलट के भूनेंगे। इनको भूल लिया और टमाटर भी भूल लिए। अब हम इनका छिलका उतारेंगे और इनको अच्छे से मैश करेंगे। कि गाइस हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है और अब हम इसमें जीरा, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। और हमने ये 3 प्याज कट कर ली थी, हम इनको डालेंगे। अब हम इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जलाना है हमें, बस हल्का सा लाइट ब्राउन। हमने अपनी अनियन को ज़्यादा नहीं भुना है, सिर्फ लाइट ब्राउन कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की कुछ कलियाँ और अब इसमें थोड़ी अदरक डालते हैं और 1 ग्रीन चिली डालेंगे जिसको हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें रेड चिली डालेंगे जिसको हमने कट कर लिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब हम इसमें 1.5 टीस्पून, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जो टमाटर हमने भूल लिए थे अब हमने इसको मैश कर लिया है। अब हम ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे सालों के साथ। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। और ये घर का बना हुआ दही है, हम दही कम ही डालेंगे क्योंकि हमने टमाटर डाल दिया। अब हम इसको मैश कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए अभी हमारा मसाला भुन चुका है और जो बैगन हमने भून लिए थे अब हमने उनको अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर इनको डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए गाइस कितना प्यारा कलर आ रहा है हमारे भरते में, ये टेस्टी सा भरता बनकर रेडी होने वाला है। गाइस हमारा भरता बन चुका है और कितना टेस्टी बना है। देखिए इसका के अंदर बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब हम इसको डिसआउट करते हैं। देखिए गाइस हमने अब इसको डिसआउट कर लिया है और देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। आप भी हमारे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।